सो फाइनली गाइस आज हम अपने इंडियन बाइक ड्राइव थ्री गेम के अंदर जायंट ट्रेन को ड्राइव करने वाले हैं। सो जायंट ट्रेन को चलाने से पहले भाई साहब हमको इसको रिपेयर और भाई साहब मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी दिन से बंद पड़ी थी। तो भाई देख रहे हो कितने बंदे लगा रखे हैं यार। भाई यार घर से क्यों निकाल रहे हो यार? चाचा बाहर क्यों निकाल रहे हो? अबे तेरी ऐसी की तैसी यार, मैंने कहा मैंने भाड़ा नहीं दिया तो इसका मतलब क्या? तो कुछ भी करेगा यार, मेरा मार रहा है यार। यार इन लोगों ने भी बड़ा जीना आराम कर, लेकिन ऐसे मारने से काम नहीं चलेगा यार। मेरे पास काफ़ी उधारी चढ़ चुके हैं यार, कुछ काम भी धंधा मेरे को मिल नहीं रहा है जिससे मैं पैसे कमा कर कुछ भाई साहब अपना जो उधारी को चुका सकूँ। तो भाई ये शॉप है शायद, इससे पूछता हूँ, इसके अंदर जाकर देखता हूँ यहाँ पर कुछ मेरे को काम मिल जाए तो देखते हैं यार। हेलो, कोई है यहाँ पर? भाई इस रूम का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है यार, ये क्या मतलब? यहाँ से शॉप बंद है या फिर खुली हुई है यार? मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, कोई है तो आवाज़ लगा यार, है कोई? भाई यहाँ तो कोई नहीं है भाई, मेरे को लगता है शॉप बंद करके जा चुके हैं यार, ताला तोड़ा भी लगा रखा है, ऐसे ही छोड़ रखी है भाई, फिर भी खोल शायद अंदर से बंद होगी। सो यार यहाँ पर, हाँ भाई शोरूम है यहाँ पर, यहाँ पर शायद मेरे को कुछ काम मिल सकता है शायद, मेरे को लगता तो ऐसा ही है। ओ भाई शोरूम की तरफ ले लेता हूँ अपनी साइकिल को। भाई यहाँ पर क्या कह रहा है भाई बंदा, ये पूछ लेते हैं इससे क्या काम दे रहा है हमको। भाई मैं मैकेनिक रह चुका हूँ, अगर मेरे काम का कोई काम हो तो भाई आप दे सकते हो मेरे को, मेरे को बड़ी ज़रूरत है पैसों की और भाई मेरे पास काफ़ी उधारी हो गया। लेकिन आप यहाँ पर काम क्या कर रहे हो? ओ भाई साहब ये यहाँ पर जायंट ट्रेन को मतलब रिपेयर कर रहे हैं यार, क्या ये बंदा तो भाई साहब क्या कर रहा है ये इतनी बड़ी ट्रेन को? भाई ऐसे क्यों कर रहे हो अंकल आप, ये मतलब ये ऐसे क्यों कर रहे हो? ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो है जायंट का जो गिनिंग्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे को नाम दर्ज कराना है, तो इसलिए ट्रेन को कर रहा है। भाई ये फ्यूल टैंक को कर रहा है भाई, ठीक भाई इतनी बड़ी जायंट पर। वैसे आप इतने अभी से पहले क्यों जायंट पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो यार? मतलब कि कुछ भी यार, ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। भाई इन्होंने मेरे को काम दिया है इसके साथ ही कि आप जो है अगर आप फाइंड करोगे तो इंजन जो है इंटरनल इंजन अपनी जायंट ट्रेन का। जी हाँ दोस्तों, जायंट इंजन मतलब इतना बड़ा भाई साहब, लिटरली ट्रेन देखो भाई कितनी बड़ी है। ये तो सिर्फ एक पार्ट इंजन का, अभी तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट हमको इकट्ठा करने पड़ेंगे। सो भाई साहब हमें ऐसे तो नहीं मतलब स्टंट एरिया और वहाँ पर भाई बाईसाइकिल तो नहीं जाएगी, तो मेरे को यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी एक कोई बाइक बुक स्टंट बाइक मिल गई। तो भाई साहब यहाँ पर एक घर के अंदर मेरे को बाइक दिखी यार, निंजा S2R, नहीं शायद ये तो ZX टर्नर है यार। दोस्तों यहाँ पर कोई है भी नहीं इस घर के अंदर। सो भाई चुपके से इस कार को मतलब इसको बाइक को लेकर चलते हैं, रफा दफा करते हैं मामला, कोई है नहीं क्या भाई साहब? लिटरली अपने तो मौज ही मौज हो चुके हैं भाई यहाँ पर। ओ भाई यार अगर भाई ये बंदा आ गया भाई, ये भाई अंकल मैं आपकी बाइक दे दूंगा जब मेरा अगर काम बन गया, वहाँ पर मैं एक बार इंजन ले आऊँगा और सही सलामत रही तो, मेरा कहने का मतलब सही सलामत रही तो मैं आपको उल्टी दे दूंगा। भाई ये तो पीछे लग गया भाई, फिर भी मैं ले आया इसको कहकर, अगर मेरी ये जो बाइक बची तेरी कुछ हिस्सा बचा तो फिर मैं तेरे को उल्टी वापस लौटा दूंगा। सो भाई मेरे को यहाँ फिर काफ़ी लॉन्ग जंप लेनी पड़ेगी। ओ भाई सब, ओ बच के फ्रैंकलिन ये बाइक हमारी नहीं है यार, धीरे से थोड़ा सा धीरे से भाई ऊपर ले चल थोड़ा सा आराम से। अगर बाइक स्किट हुई ना यार हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। सो भाई आराम से ले चलता हूँ यहाँ से मैं आराम से। ओ भाई आगे कुछ है जंप जुम्प करवाने का? भाई मेरे को तो लग नहीं रहा। ओ भाई साहब काफ़ी कंटेनर से कैसे मैप बनाया हुआ है यार ये, और इतनी ऊपर इंजन किसने रखा यार? लिटरली यार कोई अगर बना रहा था तो नीचे इंजन बनाओ ना यार, ऊपर की भैंस की आँख इतनी ऊपर रखने का क्या मतलब है? मतलब कि जायंट ट्रेन ना बनने का कोई ऐसा मकसद है यार इन लोगों का, कि कोई बंदा जायंट ट्रेन को बनने नहीं दे रहा और इंजन को छुपा दे रहा है, और काफ़ी चीज़ें जो बॉडी पार्ट है जो जायंट ट्रेन के भाई साहब वो छुपा दिए गए हैं। इसलिए आज हम सारे बॉडी पार्ट्स को जो फाइट करेंगे, जितने भी उस बंदे ने कहा है कि ये पार्ट्स फाइट कर लो। ओ भाई साहब यहाँ पर शायद मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये टैंक जो है भाई अभी तक सेट नहीं हुआ। ओ सो भाई साहब चलते हैं जल्दी जल्दी से, मेरे को रुकना पड़ेगा यार यहाँ पर। ओ भाई साहब ये क्या हो रहा भाई? ये भाई मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है यहाँ पर चढ़ चढ़ कर, मेरा जुकाम खर्दी मतलब सब चीज़ हो चुका है। फ्रैंकलिन से भी मेरा थोड़ा कंट्रोल है। ओ भाई साहब अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करता तो मैं शायद यहाँ पर चढ़ भी ना पाता और नीचे गिर जाता। सो डस्टबिन है, यहाँ से ऊपर चलते हैं भाई आराम से। फ्रैंकलिन अगर थोड़ा सा आराम से चलेगा तो ठीक रहेगा भाई साहब। सो हमको मिल चुका है जो जायंट ट्रेन का इंजन है, इंटरनल इंजन। जी हाँ दोस्तों इंटरनल इंजन, अभी तो इसके काफ़ी पार्ट जो है ढूंढने पड़ेंगे। सो भाई अभी इससे काम चला लेते हैं। सो नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने भाई साहब हमको, जो भी है
वो हमको इन्होंने बताया है कि भाई साहब जो आपका जो जायंट ट्रेन का पार्ट है वो भी आपको एक ढूंढना पड़ेगा, जो काफ़ी पार्ट जो है अपनी जायंट ट्रेन का जो सेकंड है भाई साहब ये व्हील रहने वाले हैं। ये कहाँ पर है? ओ भाई साहब पेट्रोल पंप के अंदर ये व्हील क्यों रखे हैं इन्होंने यार, लिटरली यार मैं यहाँ पर कैसे चढ़ूंगा यार। सो भाई यहाँ पर सो भाई कुछ अलग तरीके से कुछ काम करना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े टायर जायंट ट्रेन के यार लिटरली काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, मेरे को भी दिख रहा है, अगर आप भी देख रहे हो तो भाई साहब काफ़ी बड़े हैं। अगर ट्रेन चली ना भाई साहब गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो नाम दर्ज हो ही जाएगा, और भाई साहब इसके साथ भाई लोगों को पैसे बहुत मिलेंगे इस पर पैसे लगाया तो। फिर भाई वो यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर लिया भाई, यहाँ तो आग लगी हुई है भाई, ये क्या माहौल बना हुआ भाई, वहाँ से मेरे को दूर जाना पड़ेगा अगर मैं यहाँ पर गया। भाई फ्रैंकली अंदर क्यों जा रहा है यार? ओ भाई यार ये फायर ब्रिगेड, हाँ इसको समझ में आ गया, यहाँ से फायर ब्रिगेड लेते हैं और पानी भरते हैं भाई इसके अंदर और फिर जो है पेट्रोल पम्प की जो आग बुझा देते हैं, वरना अगर भाई वो सीन हुआ ना भाई लिटरली भाई पेट्रोल पम्प का तो ख़त्म हो जाएगा सीन, और उसके साथ में जितनी पब्लिक है भाई वहाँ पर उनको भी बहुत ज़्यादा चोट पहुँचेगी। तो यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं यार दोस्तों, क्या पता कुछ हो गया हो किसी बंदे को भाई साहब, और यहाँ पर लेते हैं इसको और पानी से आग बुझा देते हैं जल्दी से जाकर, वरना अगर वहाँ पर कोई सीन बन गया तो भाई क्रेट अपने जो व्हील है उसका भी काम तमाम हो जाएगा, फिर भाई हमारी इस नौकरी से भी मैं हाथ धोना पड़ेगा यार। जल्दी जल्दी चलते हैं यार, जल्दी फास्ट फास्ट फ्रैंकलिन फास्ट, थोड़ा सा जल्दी लेकर चल इसको ए भाई साहब, जल्दी 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 भाई, आराम से आराम से आराम से भाई, अभी यहाँ पर अंदर भाई पानी पानी डाल, पानी ऑन कर दे यार जल्दी जल्दी यार, आग लगी कभी फिर फायर ब्रिगेड के अंदर भी ना आग लग जाए यार। सो पानी से मैंने आग बुझा दी है, काम हो चुका है अपना, अब ऊपर से भाई साहब ये जो है इसे ऊपर करते हैं यार अपनी जो ये है भाई, मेरी जो ट्रोली है वो काम नहीं कर रही यार, मेरे को अब क्या करना, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा शायद। ओहो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ सिंपली भाई। ओ भाई साहब इसके साथ में क्या है भाई हमारे पास भाई, सो मैं यहाँ से चढ़ रहा हूँ भाई, आराम से चढ़ा जा रहा है, ले भाई साहब हो गया काम। अब मैंने जो डस्टबिन बीच में लगाया भाई इसको थोड़ा सा साइड में लगकर ऊपर करते हैं, अब चढ़ लेते हैं सिंपल से यार फ्रैंकलिन, अब तो चढ़ पाएगा ना आराम से, चढ़ यार फ्रैंकलिन आराम से। ये ओ भाई साहब इसको सेट करना कितना मुश्किल है भाई। सो हमको ये जो टायर है ये भी मिल चुके हैं भैया जी, अब क्या कौन सा पार्ट ढूंढना पड़ेगा भाई हमें, अब हमारे पास सैलरी तो भाई दे देंगे ना भाई, सैलरी भी मेरे को चाहिए यार। सो भाई अभी कह रहे हैं कि यार अभी थोड़े से और पार्ट ढूंढ फिर तेरे की नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि तूने जो काम किया है भाई वो काफ़ी अच्छा काम किया है। भाई इसके अंदर क्या रखा है यार? ओ भाई साहब सो ये एक सीट से क्या होगा यार? अच्छा ये ड्राइवर सीट है भाई साहब, मेरे को पता लग गया ये ड्राइवर सीट रहने वाली है भाई अपने जो इन जो जायंट ट्रेन है उसकी ड्राइवर सीट। सो हम यहाँ से यहाँ लोकेशन तो यहीं पर यार थी भाई साहब, भाई अंदर से ये क्या कर रखा है भाई? अब तो मेरे को शायद साइड में से बाइक लगाकर फिर अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जा सकता यार मैं लिटरली भाई, अगर ऐसे गया तो फिर भाई साहब जाए मतलब लोग कड़ा है लोग है ना, इसलिए भाई यहाँ पर मेरे को कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सो हमको नेक्स्ट क्या बदले मिला है? गन भाई साहब, गन इसका क्या मतलब है भाई, गन का क्या मैटर है भाई? चलो चलते हैं, जब गेम वालों ने कुछ कहा है तो किसी चीज़ के नाम से ही गन मतलब दी होगी। भाई यहाँ पर आग लगा रहा है फ्रैंकलिन, क्या कर रहा है फ्रैंकलिन? पुलिस वालों से बच के रहे, अगर पुलिस वाले ने दिख गया ना तू तेरी हालत का जो कीमा बनाएंगे ना यार ये लोग। आराम से फ्रैंकलिन, आराम से आराम से। ओ भाई कितने सारे पुलिस वाले आ चुके हैं भाई, फ्रैंकलिन बच यहाँ से भाई साहब। वो भाई फ्रैंकलिन तूने क्या कर दिया यार ये? अब भाई इसने तो अपनी बाइक के अंदर जिससे मांग के लेके आया था भाई, ले भाई लिटरली यार उसकी बाइक का तो सत्यानाश हो चुका है भाई, अब मैं उसको पैसे कैसे दूंगा यार? ये तो काफ़ी स्टंट वाली बाइक थी, इसकी तो कॉस्टली भाई साहब कॉस्ट ज़्यादा महंगी थी यार ये भाई। गन गन कहाँ पर थी? यहाँ पर ही थी ना छत के ऊपर थी शायद, मेरे को लग रहा है ये भाई गेम वालों ने क्या कर रखा है, ग्लिच करके। ओ भाई साहब यहाँ उन्होंने बक्से लगवा रखे हैं भाई साहब डस्टबिन के, सो ऊपर आराम से चढ़ चले इसलिए उन्होंने बॉक्स लगा रखे हैं यार यहाँ पर। भाई ऊपर चढ़ जाते हैं भाई सिंपली तरीके से, ले भाई हो गया भाई, गन मिल चुकी है हमें, अब यहाँ से डायरेक्ट। ओ भाई साहब पुलिस भी हमारे पीछे लग चुके भाई, भाई पुलिस की गाड़ी देखी है भाई आपने? भाई वहाँ पर मेरे को देखी है भाई, मेरा आज तो काम तमाम होने वाला है भाई, एक जॉब के चक्कर में पुलिस वाले से टक्कर ले रहा हूँ यार, क्या ही मतलब माहौल बने जाएगा भाई, मैं क्रिमिनल बन रहा हूँ भाई नौकरी के चक्कर में, अगर किसी बंदे के पास पैसे नहीं होते भाई क्रिमिनल बन जाता है, और ये बंदूक भी मेरे साथ ऐसे ही दिया भाई बचने के लिए मेरे को। तो चलते हैं भाई साहब, कार चोरी कर लिया भाई मैंने भाई लिटरली भाई, अगर आपकी कार बची यार तो दे दूंगा यार। यार क्या कर रहा हूँ मैं यार, बाइक वालों को भी ऐसा ही कहा था मैंने, उसकी बाइक जो है जल चुकी थी यार, यार अब की बार अगर कार होगी ना भाई साहब बहुत ही ज़्यादा पैसे भाई साहब वेस्ट हो जाएंगे मेरे भाई, अब की बार तो कुछ हो जाए काम मेरा, वरना तो भाई
लिटरली ओ भाई साहब। अच्छा लॉक तोड़ने के लिए भाई ये फ्रैंकलिन ने ये जो है लिया है भाई साहब। चलो सीट्स का बंदोबस्त हो गया, ड्राइवर सीट्स का। अब क्या अभी भी कुछ करना है क्या भाई? अब तो इतना सारा काम कर दिया यार हमने, अब तो हमारी जॉब पक्की और सैलरी दे दो भाई हमको। भाई फ्रैंकलिन अब जहाँ से निकल ले, तेरा काम तो हो चुका है। अब इसके साथ में हमें कुछ और भी ढूंढना पड़ेगा यार। क्या ही मतलब गेम वालों में क्या कर रखा है यार ये। तो भाई ये अब ये कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारी ट्रेन है भाई, तुम्हारी जॉब सक्सेसफुल हो चुकी है, अब तुम इसको टेस्ट ड्राइव करके लेके आओ फ्रैंकलिन। मतलब क्या मतलब अब हम इस ट्रेन को चला सकते हैं, जायंट ट्रेन को? ओ भाई साहब। सो भाई देख लो भाई मेरी मेहनत का फल, भाई साहब इन लोगों ने मेरे को ट्रेन चलाने का मौका दिया, क्योंकि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने इनका जो आधा काम था भाई वो कंप्लीट कर दिया भाई मैंने खुद ही। सो भाई देखो भाई जायंट ट्रेन अपनी सिटी के अंदर किस तरह चल रही है यार दोस्तों। लिटरली यार भाई साहब क्या ही खतरनाक जहर भाई जहर। भाई साहब ड्रिफ्ट देखो भाई ट्रेन की और स्पीड भाई साहब लिटरली इतनी शायद स्पीड वैसे नहीं आती है यार। ओ भाई साहब कैसे भी भाई साहब अपनी ट्रेन जो है थोड़ी सी जंप भी हो रही है भाई, शोकर काफ़ी अच्छे लगाए भाई। क्या ही मेहनत है भाई क्या ही मतलब लिटरली। ओ भाई साहब फ्रैंकलिन के घर देखो भाई साहब कितनी बड़ी लग रही है ट्रेन यार ये लिटरली भाई मेरे।